दोस्तों दुनिया के अंदर हर तरह के लोग पाए जाते हैं जो कि अलग-अलग तहजीब और मुआशरत से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया के एक खित्ते में अगर गोरा रंग खूबसूरती की अलामत समझा जाता है तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां जितना रंग काला होगा उतना ही खूबसूरत इंसान होगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको वाकई हैरत होगी। नंबर वन पे है बिजनेस मीटिंग की बेहतरीन जगह ऑफिस के बजाय बाथरूम। फिनलैंड का तल्लक दुनिया के इन ममालिक में होता है जिसमें स्वाना बात बहुत अहमियत के हामिल जगह है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिनलैंड के लोग बड़ी कारोबारी मीटिंग के लिए बड़े बड़े होटल जाने के बजाय स्वाना बाथरूम जाना पसंद करते हैं, जहाँ सुकून और आरामदेह माहौल में वो कारोबारी डील को फाइनल करते हैं। नंबर दो, शादी के बाद गुसलखाने जाना मना है। दुनिया के मुल्क इंडोनेशिया का टैडविंग नामी कबीला है जहाँ पर एक बहुत ही अजीब रिवाज है। यहाँ पर शादी के बाद 3 दिन तक दुल्हा और दुल्हन को बाथरूम जाना मना होता है। अगरचे फितरी तकाजों को रोकना इंसान के इख्तियार में नहीं है, मगर इनको गुसलखाने से रोकने के लिए इनको खाने और पीने की इंतहाई कम मकदार दी जाती है ताकि इनको बाथरूम जाने की हाजत ही ना हो, और इन 3 दिनों में इनके बाथरूम जाने को नहूसत सफर किया जाता है। नंबर 3, एक दूसरे को थूक कर नेक ख्वाहिशात देना। दुनिया भर में थूकना तहजीब के मुनाफी समझा जाता है, मगर दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर किसी से मिलने से कबल या हाथ मिलाने से कबल अपने हाथों पर थूक लगाकर इसको थूक से पाक किया जाता है। इसके बाद किसी से हाथ मिलाया जाता है। यही अमल 9 बिहाता जोड़े को नेक ख्वाहिशात देने से कबल और नए पैदा होने वाले बच्चों को पैदाइश के मौके पर दुआ देते हुए भी किया जाता है। नंबर 4, शादी से पहले बर्तन तोड़ने का अमल। जर्मनी में एक रिवाज ऐसा भी है जिसमें शादी से एक हफ्ता कबल सारे अजीजों अकारब दूल्हे और दुल्हन के घर में मिट्टी के बर्तन लेकर पहुंचते हैं और वहां ले जाकर ये बर्तन तोड़े जाते हैं। इसके बाद दुल्हा और दुल्हन मिलकर इन बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े जमा करके सफाई करते हैं। इनके इस अमल का मतलब ये होता है कि आइंदा आने वाले दौर के लिए इनकी अंडरस्टैंडिंग पैदा की जा सके। नंबर 5, शादी ना करने वाले पर मसालों की बारिश। डेनमार्क के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प रिवाज है। इसके मुताबिक अगर किसी जवान कुंवारे की सालगिरह होती है तो इस दिन इसके तमाम दोस्त अहबाब इस पर मसालों की बारिश करते हैं। ये रिवाज इस कदीम रवायत की याद में है जिसके मुताबिक कदीम डेनमार्क के मसाले के ताजर अपने कारोबार में इतने मसरूफ हो जाते थे कि इनको शादी का वक्त भी ना मिलता था। इस मौके पर इनके रिश्तेदार इनके ऊपर मसाले बरसाकर इनको इस बात का एहसास दिलाते थे कि इनको शादी कर लेनी चाहिए। तो ये थे कुछ अजीबोगरीब रिवाज। आपको ये रिवाज कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइंदा मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।